क्लियर तो इट मींस ऑल द टर्म मतलब टीआर टीआर से भी बड़ी है टीआर टू से भी बड़ी है क्लियर तो उससे बड़ी है तो इट मींस क्या होगा ये भी मॉड है यहाँ पे तो दैट मींस क्या होगा इस जो टीआर वन की आपको पता है टीआर वन की वैल्यू ये होती है तो टीआर की क्या हो जाएगी ये हो जाएगी ओ वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में लाई मैं टीआर को तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा अब आप इसको सॉल्व कीजिए इसके साथ एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल तो ये रिजल्ट देगा तो आपको फाइनल ये ही याद रखना है ठीक है और वाई की पावर और वाई की पावर माइनस वन ऊपर ले जाएगा इसको वाई की पावर माइनस वन को तो ये बचेगा और यहाँ भी जो मॉड ऑफ मॉड मैंने क्यों लगाया ये तो बाहर आ गया मॉड से क्यों क्योंकि ये positive quantity है यहाँ पे जो भी सपोज इस यहाँ पे माइनस टू एक्स होता तो माइनस टू एक्स यहाँ आता नेगेटिव लेकिन बाद में मैं क्या करती थी एब्सोल्यूट वैल्यू लेती मतलब नेगेटिव क्या कर दूंगी नेग्लेक्ट कर दूंगी फिर इसी को याद रखना है आपने और यहाँ पे आर की वैल्यू लेट से के निकली या फिर कुछ और कोई भी टर्म मतलब या तो इंटीजर निकलेगा या डेसिमल निकलेगी के की वैल्यू तो अगर आपकी वैल्यू इंटीजर नहीं है तो नुमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म ये होगा टी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन और अगर इंटीजर है तो नुमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी या तो टीके होगी या टीके प्लस वन होगी दोनों की वैल्यू सेम आएगी मान लीजिए दोनों की वैल्यू एटी फोर और एक माइनस एटी फोर है तो नेगेटिव हम ग्लेक्ट करेगी ठीक है तो दोनों की वैल्यू आएगी बट सेम हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एन माइनस आर टी आर प्लस वन टी आर ठीक है इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन एन है फिफ्टी माइनस आर प्लस वन तो फिफ्टी प्लस वन कितना हुआ फिफ्टी वन माइनस आर ओवर आर ये बाहर है और मॉड्यूल वाई y कितना आ गया y है आपका देखिए y क्या होगा y होगा टू एक्स टू एक्स एक्स कितना है वन बाय फाइव तो y है टू बाय फाइव तो टू बाय फाइव और यहाँ पे जो है x आपका x की वैल्यू कितनी होगी x की वैल्यू होगी आपकी थ्री तो मतलब ओवर टू फाइव इंटू थ्री कितना फिफ्टीन हो? हो गया और नेक्स्ट क्या होगा आपका और n कितना बोला मैंने फिफ्टी ठीक है इसको सॉल्व करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वन सॉल्व करेंगे अगर आप मैंने कहा था कि ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव तो आप क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे साइन को फिफ्टी वन माइनस आर ओवर आर ये हो जाएगा टू बाई फाइव टू बाई फिफ्टीन ग्रेटर देन इक्वल टू आर तो वन जीरो टू माइनस टू आर इक्वल टू ओवर फिफ्टीन आर ठीक है तो फिफ्टीन आर इस तरफ ले जाती हूँ मैं स ये हो गया सेवनटीन आर वन जीरो टू ग्रेटर देन इक्वल टू सेवनटीन आर दैट मीन्स आर आपका जो आएगा लेस देन इज इक्वल टू सिक्स ये है आपकी टर्म अब मेरे को पूछा है कि लार्जेस्ट टर्म क्या होगी अब ये तो इंटीजर आ गया मैंने क्या कहा कि के बिलोंग्स टू इंटीजर तो क्या होगा दो वैली होगी एक टीके होगी और एक होगी टीके प्लस वन क्लियर तो मेरा क्या है ये आ जाएगा आपका एक सिक्स आ जाएगा एक सिक्स प्लस वन कितना होगा सेवन होगा तो जो आपका लार्जेस्ट टर्म है वो क्या होगा 7. इनकी नोमिकल वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है टी आर प्लस वन अगर आपको सिक्स चाहिए तो फाइव प्लस वन आर फाइव होगा एन सी आर फिफ्टी सी आर आर कितना है फाइव है ओवर एक्स रेस्ट टू पावर एक्स कितना है क्वेश्चन में थ्री एन माइनस आर एन माइनस आर कितना होगा फिफ्टी माइनस फाइव फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई बी की पावर और या फिर वाई की पावर आर वाई है टू एक्स एक्स की वैल्यू भी डाल दी मैंने टू बाई फाइव और ऊपर होगा आर आर कितना निकला वो निकला फाइव इसको सॉल्व करेंगे या फिर टी सिक्स प्लस वन को सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी दोनों के आंसर सेम आएंगे लेकिन लार्जेस्ट टर्म क्या होगी फिर मेरी सेवन होगी क्लियर है नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन तो जो आपका ऑर्डर होता है वो होता है हाइएस्ट डेरिवेटिव तो आपका जो ऑर्डर है वो क्या होता है हाइएस्ट डेरिवेटिव तो वो आपका हाइएस्ट डेरिवेटिव क्या है डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र मतलब ऑर्डर कितना आ गया आपका टू आ गया और अगर डिग्री पूछी जाती तो डिग्री होती आपकी पावर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव तो जो कि आपकी पावर ऑफ आई एस डेरिवेटिव इसकी पावर कितनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, Next question है if the, these lines, ये दो दी है लाई ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कम फ्रेंड्स टू टेन पाइव देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है एक्स स्क्स वाई स्क्स टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी सी और जी और एक्स की वैल्यू चाहिए हमें

तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे करेंगे टू एक्स प्लस थ्री वाईक्वल टू माइनस वन एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के और यहाँ भी सेम से मल्टीप्लाई कर दो किसी से क्या बनाना है थ्री से कर दो थ्री थ्री जो नाइन एक्स माइनस थ्री वाई और माइनस फोर मतलब ये हो गया ट्वेल्व ये हो गया इलेवन एक्स इज इक्वल टू इलेवन तो आपका आ गया एक्स की वैल्यू वन एक्स की वैल्यू वन तो वाई भी निकालिए टू प्लस थ्री वाई माइनस वन उस तरफ जाके माइनस थ्री हो जाएगा दैट मीन्स वाई कितना आ गया माइनस वन तो मतलब क्या कहा मैंने कि जो आपकी दो लाइंस है मीट एट एक्स वाई वन एंड माइनस वन तो पहला वाला माइनस जी होता है दूसरा वाला माइनस एफ होता है तो जी आपका माइनस वन हो गया और एफ आपका वन हो गया क्लियर और अब चाहिए आपको सी तो आर इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी तो दैट मीन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आर स्कन प्लस वन टू हो गया और ये सी स्क्र हो गया रूट uh, कैंसिल हो गए सिर्फ सी बचेगा तो क्या हो जाएगा सी निकालिए आर कितना है फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस टू तो इट मीन सी कितना आ गया आपका माइनस ट्वेंटी थ्री सर्कल क्या होती है एक्स स्क् प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई स्क्र जी माइनस वन है तो टू एक्स और ये प्लस वन एफ और माइनस ट्वेंटी थ्री आपका फाइनल आंसर नेक्स्ट है आपका द इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है वाई इज इक्वल टू दिया है बताया है कि जो इक्वेशन है क्या हो गई पर बोला होगी पैराबोला इलिपसेंसाउ का तो अगर x का स्क्वायर कर दूं मैं x की जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा एक्स स्क्र वन बाय फोर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस टू इंटू टी और वन बाय टी कैंसल आउट एंड सिमिलरली वाई स्क्र वन बाय फोर टी स्क्र प्लस टी स्क्र माइनस टू क्लियर अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसको स्क्वेयरिंग किया अब सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ये फर्स्ट है ये क्या है सेकेंड इक्वेशन है तो अगर एक्स स्क्र माइनस वाई स्केयर दोनों के पास वन बाय फोर है कॉमन ले लो टी स्केयर प्लस टी स्केर प्लस टू माइनस टी स्केयर माइनस सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ठीक है साइन चेंज हो जाएगी इसके बाद वाले तो ये आपके कैंसल हो गए ये वन बाय टी था ठीक है और कितना आ गया फोर आ गया तो मतलब फोर भी आउट, उट एक्स एक्सर माइनस वाई वाइस इज इक्वल टू वन आपको पता है कि इक्वेशन अगर होती कौन सी इक्वेशन एक्स एयर माइनस वाई स्के बी स्केयर इज इक्वल टू वन यहाँ पे ए स्केयर और बी स्केयर वन वन है इस फॉर्म में बन रही है दैट मीनस ऐसी किसकी होती है हाई की क्लियर लास्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया है आपके पास मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूंगी अगर गिवन इक्वेशन को क्या कर दो स्क्वेयरिंग कर दो स्क्रिंग बोल साइड तो क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसको इस तरफ भी लेके आती हूँ अल्फा माइनस बीटा साथ में वेक्टर है होल स्क्वायर अब अगर आपको एक फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी और बीच में माइनस ए माइनस बी ये स्क्र स्क्र किसके तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज वेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ठीक है मैं डायरेक्ट कर दूंगी फोर अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर इज इक्वल टू जीरो दैट मीनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो तो ऐसा कब होता है जब ए डॉट बी जब आपके पास ए डॉट बी जीरो होता है तो क्या होता है वो ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर क्लियर तो कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक क्लियर है इतना प्रैक्टिस कीजिए डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच